नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों, मैं संदीप तोमर रुड़की हब के लिए एक बार फिर आज सुबह लॉकडाउन पूरे देश का माननीय प्रधानमंत्री जी की बिल पर आज दूसरा दिन कुछ चीज़ें हैं अहम चीज़ें आपके सामने रखूँगा। पहली बात, बचपन में कहावत सुनते थे, हम नहीं पढ़ते लाओ हमारे बस्ते। अभी कुछ देर पहले इस वीडियो के शुरू होने में क्लिप आपको दिखाई गई, कल नगर निगम ने रुड़की हब की खबर का असर हुआ था, नगर निगम प्रशासन हरकत में आया, गोल घेरे तमाम दुकानों के बाहर बना दिए गए थे, लेकिन उसका पालन कोई करने को तैयार नहीं है। यह स्थिति तब है जब देश के बहुत बड़े बड़े जो दुनिया के बड़े बड़े देश हैं, यूरोप में चाहे वह इटली हो, अमेरिका तक, अमेरिका भले लॉकडाउन ना कर रहा हो क्योंकि उसे महाशक्ति साबित करना है अपने आप को, अगर उसने लॉकडाउन कर दिया तो उसका सर पूरे विश्व में शर्म से झुक जाएगा, लेकिन स्थिति विकट है। आप देखिए तमाम देशों में क्या स्थिति कोरोना वायरस के कारण हो चुकी है, कितनी मौतें हो चुकी हैं, लेकिन हमारे इंडिया के लोग, मैंने जैसे दिखाया था कि पहले दिन जिस दिन प्रधानमंत्री जी का जनता कर्फ्यू था जनता के लिए, उस दिन थोड़ा माने लेकिन शाम को फिर सड़कों पर आ गए। यह हालत आज भी है, जब लॉकडाउन कर दिया गया है 21 दिन का, उसके बाद भी लोग नहीं सुधर रहे हैं। यानी बचपन की वही कहावत, हम नहीं पढ़ते लाओ हमारे बस्ते। पता नहीं लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि यह सब उन्हीं के लिए है, उनके लिए है। यहाँ रुड़की के रेलवे स्टेशन पर मैं मौजूद हूँ, कुछ और बातें भी सामने रखूँगा। उपनिरीक्षक गंगनहर कोतवाली से विनोद भट्ट जी और उनकी टीम यहाँ लगी है, लगभग 10 बजे का समय होने को जा रहा है। सर, एक कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, आप जो अपना फ़ोन पहले अटेंड कर लें, एक कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है कि लोग नहीं सुधर रहे हैं। यह जो हालात हैं, थोड़ा दूर से ही बात करेंगे, यह जो हालात हैं कि बिल्कुल भी लोग सुधरने का नाम ले रहे हैं, हालांकि आपकी ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। आपने भी 10 बजे से पहले की स्थिति देखी, जो डिस्टेंस प्रोग्राम है वह टूट जाता है, तो प्रशासन पुलिस की ओर से आप इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? नगर निगम द्वारा जो ये गोल लाइन बनाई गई है, सबसे सोशल डिस्टेंस रखा जा रहा है, इसमें हम भी जो उच्चाधिकारी है उनके आदेश निर्देशानुसार कड़ाई से पालन करवा रहे हैं और सभी से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो जो है सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। और इसके बाद जो लॉकडाउन की स्थिति है उसमें भी जो आदेश निर्देश हैं उनका अनुपालन कराया जाएगा। देखिए, विनोद भट्ट जी ने अपनी बात रखी, लेकिन दोस्तों मैं फिर बता दूं, 10 बजे तक, 7 से 10 बजे तक जो हालात होते हैं बहुत ख़राब होते हैं, वो बहुत दुखदायी होते हैं। मुझे अनेक लोगों के फ़ोन आए, नेहरू स्टेडियम में कुछ लोग अपने बच्चों को लेकर क्रिकेट खेलने पहुंच गए, क्रिकेट की पिच ठीक करने पहुंच गए। यह एंजॉय का समय नहीं है, एंजॉय कीजिए, बाहर मत कीजिए, घर कीजिए। मैंने एक आह्वान किया था कि आप, कल मैंने जब सफाई जो कर्मी है नगर निगम के उनके कार्य को सैल्यूट किया था, मैं पुलिस को एक बार फिर सैल्यूट कर रहा हूँ, और मैंने कल एक आह्वान किया था, उस क्रम में मुझे बहुत सी सेल्फी मिली हैं। मेरा निवेदन है, मेरे मित्र, मेरे सहयोगी गौरव वत्स जी आएँ, वह जरा कार्यक्रम को हैंडल करें, पहले एक मिनट हाथ सैनिटाइज करेंगे और फिर ये माइक मैं गौरव जी के हवाले करूँगा। ये पूरा माइक जो है इसे मैं लीजिए, अब आप इसे रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई संदीप जी का हमारे। जैसे कि कल संदीप भाई साहब ने नगर निगम के सभी कर्मचारियों को कहा, सैल्यूट किया था और नगर रुड़की नगरवासियों को कहा था कि अपनी अपनी सेल्फी हमें भेजें, तो आप जानते हैं कि भाई साहब से कि कितनी सेल्फी इनके पास आई है, बताइए सर। देखिए, मैं आपको जिक्र करूँगा, थोड़ा डिस्टेंस से करें। यह है मेरे पास जो है, मैं जिन लोगों की आई है उनका मैं ज़रूर यहाँ बताना चाहूँगा, थोड़ा सा समय आप मुझे दें क्योंकि मोबाइल में मुझे देखनी पड़ेगी, क्योंकि रात भर पूरी हमारे फ़ोन खड़कते रहे और भाई साहब के पास बहुत सारी सेल्फी आई हैं। ये देखिए, ये सबसे पहले मैं देव कार्य है, पंडित रजनी शास्त्री जी ने यह सेल्फी, नितिन जी जरा नज़दीक से दिखाएं, यह सेल्फी पंडित रजनी शास्त्री जी ने, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्न पूर्व देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पंडित रजनी शास्त्री नगर के विद्वान ज्योतिष हैं, उन्होंने यह सेल्फी मुझे भेजी है। इसके बाद प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं मनोज अग्रवाल जी, उन्होंने अपनी सेल्फी तो नहीं भेजी, वह बाहर हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अनुज मेडिकल स्टोर की यह तस्वीर उन्होंने दिखाई है, मुझे भेजी है, और कहा कि यह चिंता के हालात हैं कि सुबह 7 से 10 बजे जो होता है उसमें यह स्थिति उत्पन्न हो रही है, अपनी सेल्फी वो नहीं भेज पाए। एडवोकेट राजीव कुमार सिंह हैं, उन्होंने यह संदेश भेजा है और इसमें अपील वह कर रहे हैं कि
आप बाबू दीप सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता हैं चौधरी दीप सिंह जी, उनके सुपुत्र हैं एडवोकेट राजीव कुमार सिंह जी, वह कोरोना को लेकर इन्होंने अपील की है। इसके अलावा यह देखिए मित्रों, यह हैं आदर्श कपानिया जी, नगर के जो हैं बहुत पुराने व्यापारी हैं, प्रसिद्ध परिवार है। इन्होंने कहा स्टे एट होम, सेव योर सेल्फ, सेव और फैमिली, सेव और कंट्री। इन्होंने मुझे भेजी है सेल्फी, बहुत सेल्फी आई हैं। यह मोहन शर्मा जी हैं, रेलवे रोड पर रहते हैं। इन्होंने लिखा है, सेल्फी भेजी है, इसके साथ इन्होंने लिखा है रुड़की हब इज़ डूइंग गुड वर्क। धन्यवाद पंडित जी, मोहन शर्मा जी। और यह एक सज्जन है, इनका नाम मैं नहीं कर पा रहा हूँ, गौरव कुमार जी। गौरव कुमार जी ने दिया है कोरोना 4 दिन गले में रहता है, किस तरह से कोरोना के प्रभाव दुष्प्रभाव से लेकर उन्होंने ये मुझे भेजा है, एक अपील की है, हमारे कार्य को भी सराहा है। इसके अलावा यह हैं यातायात निरीक्षक, यातायात निरीक्षक रुड़की के श्री अक्रम जी, अक्रम अली जी, उन्होंने मुझे भेजी है गुड मॉर्निंग किया है और लिखा है स्टे होम स्टे सेफ। यह हैं एसपी देहात स्वपन किशोर जी, वह लगातार हमें कर रहे हैं, उन्होंने भेजी है। इसके अलावा यह हैं, देखिए ये हैं, ये तस्वीर भेजी है, ये सेल्फी दिखाएं, साफ आ रही है ना, साफ नहीं आ पा रही है तो फिर भी चलिए, नाम तो हम इनका लेंगे ही। हम लोग घर पर ही हैं, सतीश शिवा आशीर्वाद इनक्लेव आवास विकास रुड़की। इस तरह की और भी आई हैं, अपने अगले उसमें मैं आपको इन्हें दिखाऊंगा, बहुत लोगों ने मुझे भेजी हैं। और विक्रांत त्यागी जी हैं, विक्रांत त्यागी जी जो पहले निजी सचिव रहे विधायक प्रदीप बत्रा जी के, उन्होंने भेजी है, उन्होंने कहा है कि मैं घर पर ही हूँ, योग वगैरह की फ़ोटो उन्होंने भेजी हैं। दोस्तों अब अगला मुद्दा शुरू करते हैं, ये जो सेल्फियाँ मुझे मिल रही हैं इन्हें मैं लगातार दिखाऊंगा अपने अगले कार्यक्रम में, शाम को एक कार्यक्रम फिर शूट होगा उसमें मैं दिखाऊंगा। एक अपील आई है भाजपा के वरिष्ठ नेता है चौधरी कुलवीर सिंह जी झबरेड़ा से, और वह चौधरी मानवेंद्र सिंह जी के पिता हैं जो नगर पंचायत झबरेड़ा के चेयरमैन हैं। किसान संगठन मांग उठा रहे हैं इस रुड़की हब के जरिए, किसानों की मांग मैं प्रशासन के समक्ष रख रहा हूँ कि इकबालपुर मील को, इकबालपुर गन्ना मील अभी भी चल रही है, ऐसे समय में भी चल रही है, नितिन जी ध्यान दें, इकबालपुर गन्ना मील ऐसे समय में भी चल रही है, उसे बंद कराने की मांग किसान कर रहे हैं। चौधरी कुलवीर सिंह ने भी, झबरेड़ा नगर पंचायत चेयरमैन चौधरी मानिंदर सिंह जी ने भी ये मांग उठाई है, और मैं समझता हूँ कि इस समय इस तरह की मील का बंद हो जाना कहीं ना कहीं उचित ही रहेगा, ऐसी मांग की है चौधरी कुलवीर सिंह ने क्षेत्र के किसानों ने। दूसरी जो मांग है, मांग क्या है, एक मैं रख रहा हूँ बात बहुत सामने, प्रशासन पुलिस ध्यान दे, भूसा माफिया, भूसा यानी भूस जो होता है जो किसानों जो चारे के रूप में जानवरों को देते हैं, वह भूसा माफिया सक्रिय हो चुका है, उनके तमाम नाम उनकी तमाम जानकारी मेरे पास आ चुकी है, मैं कहीं ना कहीं प्रशासन को अवगत कराऊंगा। 600 रुपये का रेट था, 600 रुपये कुंटल का रेट था, वह 1400 रुपये बेचा जा रहा है, यह जानकारी मैं प्रशासन के समक्ष रख रहा हूँ, बहुत अहम जानकारी है, मैं पुलिस प्रशासन को व्यक्तिगत तौर पर भी इसे सूचनार्थ अवगत कराऊंगा और आपके साथ बना रहूंगा इस आह्वान के साथ कि इस गंभीर बीमारी कोरोना के वायरस के खतरों को देखते हुए आप घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। सलाम नमस्ते मेरे रुड़की वासियों।